एक वीएन लेके मैं आया था ब्लाइंड आर्ची में कि भाई मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो पूरा हुआ जो एक ड्रीम मैंने देखा था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाऊँगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको विन कर लूँगा या कोई मेडल आ जाएगा। मैं ये एक एम लेके गया था कि मैंने एक दफ़ा पार्टिसिपेट करना है, एक क्योंकि आज तक किसी एशियन कंट्री से कोई बंदा नहीं जा सका था, तो ये मेरे लिए एक नई बात थी कि ये एक ऑनर होगा कि मैं एशिया ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि एशियन लेवल एशिया को रिप्रेजेंट करूँगा। हम क्लासीफाई होके आ गए कि भाई अब हम क्लासीफाई हो गए हैं, VI 2 3 हो गया था, मैं और वलीद VI 1 हो गया था। तो वहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो था इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का। तो हमने जाके प्रैक्टिस के लिए अपने इक्विपमेंट जैसे ही हमने प्लेस किया तो USA से कोर्टनी वाथ उनके कोच हैं, उन्होंने पहले तो एक हल्का सा उन्होंने मुस्कुराहट दूसरे बंदे को किसी एक और कोच को उन्होंने मुस्करा के कहा कि ये देखो क्या लेके आए हैं इक्विपमेंट ना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि इसका डाया कुछ ज़्यादा है और ये एज़ पर रूल्स जो है ना ये ज़्यादा है, आपका इक्विपमेंट पास नहीं होगा। तो हमने उस पर देखा तो वाकई उसका डाया जो है वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा था, जो एज़ जो रूल्स हैं वर्ल्ड आर्ची के उसके मुताबिक 80 सेंटीमीटर होना चाहिए था। देन उस दिन हम टेंशन में आए कि यार हमारा इक्विपमेंट पास ना हुआ तो हम कैसे खेलेंगे। तो इसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपने कोच को जिन्होंने के अपने एक रिलेटिव को कॉल की कि भाई हमें आज की रात में ये एक आरी ब्लेड चाहिए, हमने लोहे का स्टैंड है उसको काटना है। फिर चेक किया तो स्टिल जो है 80 सेंटीमीटर से अबव था, फिर हमने उसको एक दो दो इंच और काटा तो आखिर हम उसको देखा तो 78 सेंटीमीटर पे उसकी विड्थ हो गई थी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थे। फिर नेक्स्ट डे जब इक्विपमेंट उसी दिन को थी जब इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के लिए जजेज आए तो उन्होंने जब देखा तो पहले तो उन्होंने हमारे से टेक्टाइल डिवाइस की नोज़ल चेक की, उनके पास इक्विपमेंट था वो, उन्होंने कहा जी अच्छा है ठीक है गुड है। उसके बाद उन्होंने फुट लोकेटर हमारा देखा और ठीक है, जजेस कहते हैं कि इसका विड्थ हमें ज़्यादा लग रही है। तो हमारे कोच ने कहा आप यू कैन मेजर इट 78 सेंटीमीटर एज पर स्टैंडर्ड्स। जब उसने चेक किया जज ने तो वाकई वो 78 सेंटीमीटर थे, तो उसने थम्स अप किया टीम पाकिस्तान को, बेस्ट ऑफ लक किया। होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हमें मज़ीद मौका मिला तो हम इस रैंकिंग को भी और बेहतर बनाएंगे। अभी तो हम 2 टॉप 10 में बंदे हैं, हम अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने के साथ साथ और हमारे ऐसे आर्चर्स हैं जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सिर्फ ज़रूरत समर की है कि इन लोगों को मोटिवेट किया जाए, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि ये ऊपर आ सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। हमें जितना मौका मिला हमने उस चीज़ को अचीव करके दिखाया है।